नमस्कार दर्शकों, केएनएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ठाकुर द्वारा फेसबुक पर अच्छी नस्ल के गाय भैंसों के फोटो वीडियो अपलोड कर उन्हें सस्ते में बेचने का लालच दे भोले भाले लोगों को फंसा रहे अपने जाल में गुना जिले में धोखाधड़ी का एक अजीब मामला प्रकाश में आया है, जिसमें गुना जिले के धरनावदा क्षेत्र के ग्राम वाला भेट निवासी लक्ष्मण सिधाकर ने अपने फेसबुक पर एक अच्छी नस्ल की भैंस की वीडियो देखी, जिसे किसी के द्वारा बेचने के लिए अपलोड किया गया था। जब लक्ष्मण सिंह धाकड़ द्वारा उस भैंस को खरीदने की इच्छा जाहिर करने संबंधी मैसेज उस पोस्ट पर रिप्लाई किया तो पोस्ट के अपलोडर द्वारा व्हाट्सएप नंबर देकर बात करने को कहा। व्हाट्सएप पर उनके बीच बातचीत हुई और उस भैंस का सौदा 70,000 रुपए में तय हो गया। इसके बाद ठग द्वारा लक्ष्मण सिंह धाकड़ को अपने जाल में फंसा कर अलग अलग बहाने बनाकर एडवांस के रूप में अलग अलग समय में कुल 33,700 रुपए अपने खाते में ट्रांजेक्शन करा लिए गए। ठग द्वारा लक्ष्मण धाकड़ को विश्वास दिलाने के लिए बकायदा भैंस का दूध निकाल कर दूध को नापने, भैंस को छोटा हाथी में बैठा कर उसे भेजने आदि के वीडियो भी व्हाट्सएप किए गए, जिससे लक्ष्मण सिंह को विश्वास हो गया कि भैंस उसके घर आने वाली है। लेकिन अगले ही दिन ठग द्वारा उसे फिर बोला गया कि रास्ते में छोटा हाथी का डीजल खत्म हो गया है, जल्दी से 5,000 रुपए और ट्रांसफर कर दो। तब जाकर लक्ष्मण सिंह शक हुआ कि उसके साथ धोखा हो रहा है। फिर उसने अपनी आप बीती अपने साले संतराम धाकड़ निवासी ग्राम खुटियारी थाना बमोरी को बताई। इसके बाद आज दिनांक 19 अगस्त 2023 की शाम को संतराम धाकड़ द्वारा अपने जीजाजी के साथ हुए फ्रॉड एवं उनके ठगे गए पैसे वापस दिलाए जाने संबंधी एक शिकायती आवेदन गुना पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सागर को दिया गया। श्री सागर द्वारा फरियादी संतराम धाकड़ को गंभीरता से सुन समझ कर फरियादी संतराम धाकड़ को उनके ठगे गए पैसे वापस दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया।